आओ देखते। बधाई अजी बधाई मारे छोरे की सगाई है सगाई। बधाई अजी बधाई यार लखले बधाई यार। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई अजी। अरे नजर ना लगे मारे छोरे ने। अरे यो भगवान झंडू कित गया जी। वो तो स्कूल में जा रहा। घूमता घूमता हां चले तो अब देखते हैं कि झंडू के स्कूल में का माहौल। अरे मैडम आ गई मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। से काल आए तो उनने क्या अपने डीसी लगा दिए। अरे हां तो अंदर देख लिया था। सरिया जी मेरा नाम सरिया कोनी श्रेया है। सॉरी फोन ना कर ले तेरा बापू ना लाड कर दे। अच्छा जी फोन मोर की ना सुन ले कट। अच्छा जी फोन अच्छा के काम कर रहा था कल। मैडम जी थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में बताया था। थोड़ा ये तो सदा हां मैं बैठू खड़ा हूं। हां जी जल में रहने वाले किसे पांच जंतुओं के नाम बता। जल में रहने वाले पांच जंतुओं के जी। हां जी मछली। वेरी गुड जी। भैंस। जी मारी भैंस तो जोड़ में तो निकल ती है कोनी। मैं बात करी जय वाला को खच खच कर दम का सर आता तो बता दो फालतू नहीं बोलना जी। और की मैं तो कोनी आंदा मन में कोनी आवे तुम तो मटरू विश्वास है। बैठ जी आपको बताएंगे कि जो जीवन की पहली आवश्यकता हुआ खाना। खाने का बिना इंसान चल नहीं सकता चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। एक डेमो देखो यहाँ एक चूहा है और इधर एक चूहिया है। बीच में रख दिया अपन ने ब्रेड का टुकड़ा। तो चूहा क्या कर रहा है देखिए। चूहा सीधा ब्रेड की तरफ जा रहा है यानी कि सबसे पहली आवश्यकता क्या है उसकी भोजन। कौन ये चीज समझ में आया। एक बार और बताते हैं। हां दोस्त ध्यान से सुनियो भाई। एक चूहा है एक चूहिया है। बीच में रख दिया पनीर का टुकड़ा। तो चूहा क्या कर रहा है देखिए सीधा पनीर के टुकड़े की तरफ भाग रहा है यानी कि खाने की तरफ भाग रहा है। दो बार खाना बदल। एक बार बिस्कुट रखा एक बार पनीर का टुकड़ा। अच्छा। मैडम जी एक बार चूहिया भी बदल के देख लेते झंडू की सगाई टूटने का क्या कारण रहा। अरे झंडू की माँ ईव तो जीना चैन से आ गया जमा। झंडू की शादी होगी दिल में लड्डू से फूटे। सही कहा झंडू के बाबू बड़ी मुश्किल था छोरा का रिश्ता पक्का होया है। मार जो मैं खुशी सी हो रही है रिश्ता पक्का है बादशाह। भाई खुशी किस बात की खुशी। कल मारे लड़के की सगाई होगी भाई साहब। लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। क्या क्यों भाई क्यों। लड़की वालों का कहना है कि यहाँ बहुत कचरा है लोग खुले में शौच करते हैं और यहाँ बहुत बदबू है। क्या यहाँ बदबू है क्या। अरे क्या बदबू क्या खुशबू अब तो सब एक सा ही लगता है। ए राम मेरे तो कर्म फूट गए। मारी तो गाड़ी तो बहुत तो गई जोशी गई मारी तो गाड़ी भी गई और मेरी एक गुट्टी भी गई। अरे पत्थर दिलो कोई दिल है भी कि नहीं तुम्हारा। मेरी सगाई टूट गई तुम सबको अपनी अपनी पड़ी है। ओहो बढ़िया बढ़िया छोरे। तो आइए भाइयों और उनकी बहनों स्वागत है आपका इस कचरा नगरी में। अगर आपको नर्क देखना है तो चले आइए इस हमारे कूड़ा मोहल्ले में। यहाँ पर मोहल्ले में कूड़ा या कूड़े में मोहल्ला सब एक है। ये देश हमारा है।
हम आजाद देश के नागरिक हैं। कूड़ा फैलाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम दिल खोलकर कूड़ा फैलाते हैं। कोई कंजूसी नहीं करते हैं। हर दीवार थू टीक दान, हर सड़क कूड़ादान। हम देश को कूड़ादान बनाने में लगे हुए थे, लगे रहेंगे। चलो अब देखते हैं कि झंडू की सगाई टूटने के बाद मोहल्ले में क्या चर्चा है। हाय राम, क्या हुआ गुप्ता जी, सुबह से चाय नहीं पी क्या? क्या हुआ भाई साहब? अरे भाई साहब, गुप्ता जी के लिए इलायची वाली चाय ले आई है। धन्यवाद भाई साहब। क्या हुआ गुप्ता जी, चाय नहीं पी रहे? अरे भाई साहब क्या बताऊं, छोरे की सगाई टूट गई पांचवी बार। क्या बार? जी हाँ पांचवी बार। जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल चौधरी साहब के लड़के की छठी बार टूट गई। क्यों भाई क्यों? क्योंकि लड़की वालों का कहना है कि वहां पर पूरा कूड़ा कचरा है, घर में शौचालय नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। लगता है आजकल लड़की वाले भी सर पर चढ़ गए हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत ठीक है, यही बात। अरे भाई साहब आप एक बात बताइए। बोलिए जी बोलिए। आप अपने घर का कूड़ा कहाँ डालते हो? सुनो जी सुनो, जैसे ही रात होती है ना, अंधेरा होता है, मैं अपनी छोरी को बुलाता हूँ, छोरी का उसको कूड़े का थैला देता हूँ, कहता हूँ पंडित जी के यहाँ फेंका और वो फेंक आती है। हम दोनों कूड़े का थैला फेंकते हैं और लड़की के यहाँ फेंक देते हैं। वाह 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 वाह। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है, पर आप एक बात बताइए, आप अपने घर का कूड़ा दूसरों के यहाँ फेंक आते हैं तो आपके घर कूड़ा कहाँ से आता है? अरे इसी बात का तो दुख है, जो हम इन लोगों के साथ करते हैं वही हमारे साथ होता है। हम लोग एक थैला कूड़ा फेंकते हैं, दो थैला कूड़ा, पूरे घर में कूड़ा ही कूड़ा, बदबू ही बदबू हो रही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कूड़ा डालोगे कूड़ा पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कूड़ा डालोगे कूड़ा पाओगे। चलो तो अब देखते हैं कि शादियों में खाना किस प्रकार बर्बाद किया जाता है। अरे भाई आज तो खाने का मजा ही आ गया, वाह क्या दावत थी, बड़ा मस्त खाना था, भी मस्त खाना था। वाह क्या दाल मखनी, क्या नान थी, मजा आ गया। क्या? अरे नान मैं तो खा ही नहीं पाई, मेरा पेट तो चाट पकौड़ी से ही भर गया। क्या ये सब भी था? हाँ जी। अरे यार प्लेट में तो डाला था बट पेट ने जवाब दे दिया। मुझे तो सारा खाना आखिर में कूड़ेदान में ही फेंकना पड़ा। अरे मैंने भी यही किया। वैसे आपने क्या किया? हमने भी यही किया। और आपने? हमने भी यही किया। वाह जी वाह, आप सबने इतना सारा खाना बर्बाद किया। आप सब भी यही करते हैं ना, प्लेट में भर के खाना डाल लेते हैं और जब खा नहीं पाते तो सारा डस्टबिन में डाल देते हैं। अरे आप लोगों से ज्यादा तो कूड़ादान खाता होगा, दिल्ली में हर रोज 344 टन खाना बर्बाद होता है। हमें क्या? हमें तो खाने से मतलब है। भूख कम इच्छा ज्यादा, ऐसी मानस की मोह माया, खाया कम फेंका ज्यादा, देखो कैसा कलयुग आया। भूख कम इच्छा ज्यादा, कैसी मानस की मोह माया, खाया कम फेंका ज्यादा, देखो कैसा कलयुग आया। घूमता घूमता तो अब देखते हैं कि इस पृथ्वी पर किस प्रकार कूड़े का राज। सुनो सुनो सुनो, 21वीं सदी के नवयुवक पधार रहे हैं। अरे भाई नया मोबाइल ले लिया क्या? कौन सी कंपनी का है? कौन सी? और उस पुराने वाले फोन का क्या किया? पुराना फोन कचरे में फेंक दिया। वाह जी वाह, कूड़े वाली गाड़ी धरती देखे सारे घर का कूड़ा, बोतल डिब्बे कागज पत्ते कपड़े लत्ते तूड़ी तूड़ा, कूड़े वाली गाड़ी धरती लेके सारे घर का कूड़ा, बोतल डिब्बे कागज पत्ते कपड़े लत्ते तूड़ी तूड़ा, उतार दूसरा था। तो अब देखते हैं कि आधुनिक मानवीय गतिविधियों के कारण किस प्रकार गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। अरे पंडित जी जरा पूजा करवा दो। आओ बस। ओम गणपते गंगाए नमः, पुष्प अर्पित करो, तेल अर्पित करो, बोलो गंगा मैया की जय। देखिए एक तरफ ये लोग गंगा की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये चमड़ी उद्योग वाले क्रोमियम जैसा जहर गंगा में बहाए जा रहे हैं। मैं आपसे आपसे आप सबसे पूछता हूँ, क्या यही हमारी श्रद्धा है? पानी का रंग देखो कैसा हो गया, साफ पानी गंगा का मटमैला हो गया, पानी का रंग देखो कैसा हो गया, साफ पानी गंगा का मटमैला हो गया।
तो अब देखते हैं कूड़े की सत्ता, कूड़ा किस प्रकार पृथ्वी पर राज कर रहा है। मैं हूं कूड़ा, मैं इस पृथ्वी पर राज करता हूं। ये सब मातम आप जो देख रहे हैं ये मेरे कारण है। मैं बना हूं केमिकल, ऑर्गेनिक, न्यूक्लियर, प्लास्टिक, ग्लास, अन्य आदि वैसे। और ये मनुष्य भी कितने मूर्ख होते, अपनी बर्बादी भी नहीं देख पाते। देखो ये मनुष्य अपने ही कूड़े के ढेर में धसा जा रहा है, ओर ओर करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, और देखो ऐसे मातम मना रहा है। देखिए इस किसान, इसकी जमीन में गंदा पानी मिल जाने के कारण वह बंजर हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। देखिए इस औरत को, ई वेस्ट के ढंग से रिसाइकिल नहीं होने के कारण इसके हाथ, पैर, पेट, किडनी, लीवर आदि सब बर्बाद हो रहे हैं। क्या आप सब लोग जानते हैं, गणेश चतुर्थी और दुर्गा अष्टमी के दिन हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लोग पानी में जो मूर्तियां विसर्जित करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं, जो कि पानी में नहीं घुलता।